ये आज का पत्थर ऑफ द डे। और वीडियो के लिए मैं अपने कैमरा में क्या सेटिंग्स रखता हूँ, कौन सी पिक्चर प्रोफाइल यूज करता हूँ, वो भी मैं आज बताऊंगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी मैं हूँ चांदनी चौक में, फिर से आया हूँ एक शूट के लिए। वैसे आज हमारे पास एक फिक्स लोकेशन थी, बट तब भी दिल्ली से आए हैं शूट करने के लिए, क्योंकि कुछ डिफरेंट स्टार्ट करना था। एक लोकेशन पे शूट कर सकते थे, बट वो ही है कि बहुत रिपीटेटिव हो जाता है, इसलिए अभी हम दिल्ली 6 में शूट कर रहे हैं चांदनी चौक में। यहाँ पे करेंगे सिर्फ आधा घंटा शूट, इसके बाद फिर हम करेंगे शूट लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी करेंगे आधा शूट, फिर हम जाएंगे हमारी जो आज की मेन लोकेशन है, पूरा दिन मतलब जो हमारा सेकेंड हाफ रहेगा तो पूरा वहाँ कंप्लीट करेंगे। तो मेरे शॉट्स तो सही आ गए, हाँ मस्त है, बस थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन की वो होगी, वो दिक्कत। अरे ये वरुण धवन के कर लिए थे, ये वाला कॉपी कर लिया था आपने, बैकअप ले रखा था आपने उसमें? अरे यार एक ही कार्ड बचता है, फिर उसके अलावा तो कार्ड्स की इतनी प्रॉब्लम होती है शूट पे, 4-5 जगह ऑलरेडी बैकअप ले रखा है, तब भी कंफ्यूजन होती है शूट पे आके कि यार इसका बैकअप है, इसका बैकअप है, सारे कार्ड चेक कर लिए, अभी भी कोई भी श्योर नहीं है कि वो बैकअप रखा हुआ है या नहीं रखा। वरुण कर दूं कार्ड कॉपी पक्का? सोच लो। क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लाइट मिलती है तो फोटोग्राफी के लिए बहुत इजी रहता है, और मतलब इससे मतलब हम लोग 60% शूट इसी टाइम तक कर सकते हैं, और आँखों के लिए भी अच्छा है। आँखों के लिए तो है ही। एक महीने में ये दूसरी बार है जो हम इस सेम लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, वरुण और मैंने शायद 15-20 दिन पहले शूट किया था यहाँ पे, 2 हफ्ते पहले। हाँ 2 हफ्ते पहले ही हमने यहाँ सेम जगह पे शूट करा था, और इतनी अच्छी लगी मुझे ये जगह तो आज हम फिर से यहाँ पे आ गए हैं। वैसे तो प्लान नहीं था हमारे पास, ऑलरेडी बुक है एक लोकेशन जो जहाँ पे हम पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, और इतनी ठंड है नहीं दिल्ली में, मैंने जितने कपड़े पहने हुए 3 लेयर पहनी हुई, वो इस डर से जो मेरी नैनीताल में हालत ख़राब हुई थी वो यहाँ दिल्ली में दोबारा से ना हो जाए, क्योंकि नैनीताल के बाद आज मैंने कैमरा उठाया उस बात को 6 दिन हो चुके हैं। ब्लॉग तो बड़ी एनर्जी से स्टार्ट किया था नैनीताल वाला, सुबह सुबह 6:30, 6:30, 7 बजे, और मगर वो हो नहीं पाया। उसके बाद मैं दिल्ली कैसे आया वो सब बहुत लंबी स्टोरी है, और बहुत ज़्यादा फंस गए थे हम वहाँ पर नैनीताल में इस तक पर। तो अभी हम आ गए थे अपनी सेकंड लोकेशन पे लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट, और ये वॉल अच्छी तो बहुत लग रही है सामने जो येलो कलर की नज़र आ रही है, बट प्री वेडिंग शूट के लिए बड़ी डिस्ट्रक्टिव सी लग रही है, मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे शूट करके ना, थोड़ी कलर्स बहुत वाइब्रेंट है। यहाँ पे बहुत सारी वॉल्स हैं तो देखते हैं कि मतलब हमें कलर्स ऐसे से मिले थोड़े सूदिंग से हों थोड़े। ये वाली वॉल सही लग रही है जो हमने सेलेक्ट करी है ना अभी शूट के लिए, यहाँ पे यश ये शूट कर भी रहा है। इस वॉल पे करना है? इसी वॉल पे करेंगे, ये कलर्स ठीक लग रहा है। यहाँ पे वो शॉट ले सकते हैं, और ये बैकड्रॉप भी अच्छा है, कलर्स भी इतने ज्यादा वाइब्रेंट नहीं है इस वॉल के तो सही लगेगा। मैं तो कह रहा था साइकिल ले लो। साइकिल? हाँ साइकिल में एक्चुअली प्ले स्टोर से चलता है, कैसे चलता है ये? एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी इसकी भी, स्मार्ट बाइक। लास्ट वाले प्री वेडिंग पे हम कर तो चुके हैं साइकिल वाला, कितना है किसका बताता मैं तेरे को सुबह, जो कॉन्सेप्ट पूरा हमारा वो करा है। करने दो ये कर लूँ सेट या पहले वो कर लूँ? अब ठीक है मेरे आका टेढ़ी है दीवार सामने। हाँ टेढ़ी यार बोरिंग। ये आज का पत्थर ऑफ द डे, इसने कैमरा सीधा करने में आज मेरी बहुत हेल्प करी है, और इस शॉट को लेने के लिए वैसे ज़रूरत तो थी ट्राईपॉड की, बट हमने इस छोटे से पत्थर से ही काम चला लिया।
अब देखते हैं कितनी इसने हेल्प करी होगी। और अगर ये पत्थर वाला शॉट सही आया होगा तो मैं ये ब्लॉग में भी डाल दूंगा, और अगर नहीं सही आया होगा तो ना ही वीडियो में डलेगा ना ही ब्लॉग में। तो ये हमारी आज की फाइनल लोकेशन, इस जगह का नाम है टीकली बॉटम, और गुड़गांव में कहीं तो ये पड़ती है बहुत अंदर जाके, और काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी मूवीज में भी ये नज़र आती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी बधाई हो में था, इसका काफ़ी सारा पार्ट यूज़ हुआ था। तो यही है हमारी फाइनल लोकेशन, और ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है, अंधेरा होने ही वाला है, 2 से 2.5 घंटे शूट करेंगे और उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो ये रहा यश, जितने भी मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रैवल फोटोज हैं ये यश ने ही खींची हैं, कुछ बोलता नहीं है ये मगर और मत, जो मत इसके वीडियो में स्पेशल इफेक्ट्स फूल के आए थे वो वरुण ने फेंके थे। क्या है इसमें, ये है क्या, पॉन्ड टाइप का है, ये लोटस लगते हैं ना इसमें, गया वो गया नीचे। कहाँ है मेंढक, पत्ते के नीचे गया, यहीं पे फार्म है, इसमें सारी चीजें, पालक लेके आ रहा है। कितना ऑरेंज है इधर, ऑरेंज तो ऑरेंज ही रहता है। नींबू है ना तुमने बोला, नींबू नहीं है यार, नींबू ऑरेंज थोड़ी होते हैं, जैसे अंगूर खट्टे होते हैं ना वैसे ऑरेंज खट्टे हैं, अभी हरे हैं। अरे देखो सही है, देखो देखो देखो, ओके अब इसकी एक एक स्लाइस निकालो अलग, और इसकी जो छिलका होता है उससे आ चाट मसाला होना, ये वो जा रहे हैं तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, और एक तीतर ये यश ने तोड़ लिया, शर्म ही नहीं आ रही। हमारे पास पूरा टाइम होता है, जब तक कपल रेडी होके नहीं आता सबसे ज़्यादा ड्रेस चेंज में टाइम लगता है, और उसी में सारी लाइट जो होती है वो चली जाती है। अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पीछे वाले एरिया में मैं नहीं आया था, यहाँ पे शूट्स तो मैंने बहुत सारे करे हैं पहले, बहुत मतलब लॉकडाउन से पहले काफ़ी शूट्स करे हैं मैंने, ये मेरा 8वां 9वां शूट होगा। ये है संदेश भाई, रियर का ड्रोन फैंटम 4 प्रो, कुछ बोलते नहीं है ये भी, कर दी शांति भंग यहाँ पीसफुल जगह की। ये वाला ड्रोन मुझे तभी नहीं पता, और वो ड्राइंग रूम भी अच्छा कर सकते हैं ड्राइंग रूम बहुत बढ़िया है, कैसे करना है ड्राइंग रूम मतलब। तो यश कह रहा है कि मेरे को बिना मास्क के तो इंट्रोड्यूस कराओ, मैं ये कह रहा था कि यश बहुत अमेजिंग फोटोज खींचता है और ही इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, और इंस्टाग्राम पे मेरी जितनी भी ट्रैवल फोटोज़ होती हैं मोस्टली 60-70% जो पिक्चर्स हैं वो मेरी यश ने ही क्लिक करी हुई हैं। अभी जब मैंने ZX10 ली थी तो ये बेचारा इंदौर से आ नहीं पाया, इसका बड़ा मन था मेरी बाइक के साथ पिक्चर्स खींचने का, तो अगर वो वाली बाइक के साथ भी पिक्चर्स खींची होती ना तो वो बहुत अमेजिंग होती। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि जो मैं ये 3-4 मिनट्स की वीडियो जो शूट करता हूँ, कपल वीडियोज़ जो शूट करता हूँ, ये मैं अपने चैनल पर अपलोड क्यों नहीं करता हूँ पूरे वीडियोज़, और या व्लॉग में क्यों नहीं दिखाता हूँ वो वाला पार्ट। तो उसका रीज़न यही है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में किसी भी रीज़न से मुझे अपने चैनल से कोई वीडियो प्राइवेट करनी पड़ जाए या हटानी पड़ जाए, तो वो नहीं चाहता, बस इतना सिंपल सा रीज़न है। वैसे राइट्स तो हमारे पास ही होते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं पता आपको कि कब कौन बोल दे कि यार वो वाला पार्ट हटा दो, तो अब एक बीच में से अगर वीडियो एडिट हो गई तो बीच में से एक छोटा सा पार्ट तो हटा नहीं सकते, इसलिए मैं चाहता ही नहीं वो पार्ट दिखा। इक्विपमेंट में ये यूज़ कर रहा हूँ वही जायन क्रेन A7 III एंड 35mm 1.4 ज़ाइस, और वीडियो के लिए मैं अपने कैमरा में क्या सेटिंग्स रखता हूँ, कौन सी पिक्चर प्रोफाइल यूज़ करता हूँ वो भी मैं आज बताऊँगा, और वही सारी सेटिंग्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा अगर किसी को सेम सेटिंग्स पर रखना है। वो मेरे को अपने लिए सेटिंग्स ठीक लगती हैं इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, कलर ग्रेडिंग अच्छी होती है। एस लॉग मैं यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि एस लॉग एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसका नेटिव ISO ही 1600 रहता है, तो कहीं जगह हो सकता है कि ग्रेनी हो सकती है फुटेज, तो मैं एस लॉग पर शूट नहीं करता हूँ वैसे शूट, कहीं कमर्शियल शूट होते हैं बहुत ज़्यादा तो मैं एस लॉग पर शूट करता हूँ। तो जिस पिक्चर प्रोफाइल की मैं बात कर रहा था जो मैं अपने कैमरा में यूज़ करता हूँ Sony Alpha 7 III में, वो उसकी सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ। उसकी सेटिंग्स बहुत ही सिंपल है, मैं एस लॉग नहीं यूज़ करता जैसे मैंने पहले बताया था, मैं यूज़ करता हूँ पिक्चर प्रोफाइल, और पिक्चर प्रोफाइल में जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, आपको पिक्चर प्रोफाइल पे जाना है, और पिक्चर प्रोफाइल में PP5 में जो सेटिंग्स हैं वो ब्लैक लेवल्स मैंने रखे हुए हैं +4,
और गामा में रखा हुआ है मैंने सिने 4, ब्लैक गामा नहीं छेड़ा हुआ है, ली नहीं छेड़ा हुआ है, और जो कलर मोड है वो रखना है मूवी से, एंड सैचुरेशन जो है वो -4, और उसके अलावा मुझे लगता कुछ मैंने और छेड़ा हुआ है। हाँ बस यही चीज़ें हैं जिसमें मेरा मतलब कलर ग्रेडिंग का, जो भी मैं कलर ग्रेड करता हूँ प्रीमियर प्रो में, वो इस पर बेस्ट लगता है, कोई ग्रेनी नहीं होती फोटो। तो ये वाली जो सेटिंग्स हैं मैं वो A7 III में भी यूज़ करता हूँ और A7 R2 में भी यूज़ करता हूँ, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, फोकसिंग का ही डिफरेंस है। वैसे मेरे को अगर पर्सनली पूछो तो A7 R2 ज़्यादा पसंद है पिक्चर्स के लिए भी और वीडियो के लिए भी, बट उसका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और A7 III में ऐसा है कि लॉक तो हो जाता है बहुत ईजिली बट मूव भी फोकस बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये सोनी के ऑलमोस्ट सारी अल्फा सीरीज पे ये वाली सेटिंग्स काम करेंगे। कमरा है आयुष्मान खुराना वाला, यहाँ बैठा था आयुष्मान खुराना।